जानलेवा वबा से बचने के लिए इकदाम जारी। सिंध के आला सतही इजलास में अस्करी हुकाम ने लॉकडाउन के शिकार अफराद को रिलीफ न पहुँचने और सूबाई हुकूमत के इकदाम पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कोरोना के खिलाफ इकदाम सिविल और अस्करी हुकाम की आला सतह के इजलास में तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया कि हुकूमत की सतह पर रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए, जबकि सूबे में रिलीफ के जितने भी काम किए जा रहे हैं उन्हें मुखय्यर हजरात ही सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो सूरत हाल के फौरी अजाले के लिए काम करे। रिलीफ के कामों में ताखीर जारी रहने से सूबे में बदमनी फैल सकती है, जिससे बहरान जन्म ले सकता है। तहफ़ुज़ात के पेश नज़र ये बात भी सामने आई कि लॉकडाउन के मुतासरीन में रिलीफ की अशिया की तकसीम एक दिन के अंदर शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह के अहकामात पर सिंध में 23 मार्च से 15 रोज के लिए लॉकडाउन का निफाज किया गया था।